जी सभी साथियों को नमस्कार। और आज हमारे बीच मुख्य वक्ता हैं ऋचा सिंह जी, जो सीतापुर से हैं, और एक क्रांतिकारी किसान साथी हैं। और अभी हाल में आपने सीतापुर में कुछ शुरुआत की थी किसानों को जागरूक करने की, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो रीता जी, अपना थोड़ा अनुभव बताइए, आपकी जो किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद से या उससे पहले से भी जो आपकी सक्रियता रही है सीतापुर के ग्रामीण अंचल में, उससे संबंध में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। जी, सभी साथियों को जिंदाबाद। सीतापुर में मुझे, मैं 1996 से हूँ, 96 से, और संगठन किसान मजदूर संगठन तो 2005 के आसपास हम लोगों ने, हम कुछ साथी हैं जिन्होंने मिलकर इसको शुरू किया। और हम संगठन के साथ मुख्य रूप से महिलाएं और पुरुष, अधिकांशतः दलित समुदाय के साथी हैं, जुड़े हुए हैं। और जो इस संगठन में जो खास बात हम सब कर पाए हैं, मुझे लगता है कि वो खास बात है कि जिले स्तर से लेकर गांव स्तर तक महिलाओं का नेतृत्व तो आपको दिखाई देगा। और हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ पिछले, जब से ये किसान बिल के रूप में आया और फिर कानून बना, उसके पहले दिन से हम सब इस पूरे मुद्दे पर सीतापुर में राष्ट्रीय कॉल के साथ जुड़कर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हुए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत अच्छा ऋचा जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन अभी पंजाब और हरियाणा में मुख्यतः जिसने जोर पकड़ा, तो उन जो तीन कानून आए हैं जिससे उनकी सबसे ज्यादा शिकायत है कि इसमें मतलब MSP उनकी जाती हुई दिख रही है, या भले सरकार उसको कह रही है कि अभी MSP जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में उनको जो मुख्य डर है वो यही है कि वो MSP पे उनका अनाज नहीं। लेकिन क्योंकि सीतापुर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में तो MSP तो वैसे भी नहीं मिलती थी, तो जब आप अपने किसान साथियों से संबंध में बात करते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि या अभी जो किसानों की भूमिका उतनी इधर नहीं दिख रही है, उतनी सक्रियता नहीं दिख रही है, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है कि ये यही एक मुख्य वजह है कि यहाँ MSP नहीं मिलती, तो उसके जाने से नुकसान क्या होगा वो उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो तो मिल ही नहीं रहता। तो या कुछ और चीजें हैं जो जिससे कि आप उनको इस आंदोलन में सक्रिय कर रही हैं किस तरीके से? एक तो मुझे ये नहीं लगता है कि ठीक है, पंजाब हरियाणा की तरह आपको ऐसे उफान पर आंदोलन नहीं दिखेगा, लेकिन क्या आंदोलन नहीं है, मुझे नहीं लगता है। इस बात से मेरी सहमति नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बैठी है, जिस तरह का दमन है, जिस तरह से रोक है, आप, हमें इस बात को समझना होगा कि एक राष्ट्रीय कॉल होती है और जिले जिले में, घरों घरों में, गांव की गलियों गलियों में पुलिस बिठा दी जाती है, गांव के अगुवाकार साथियों से लेकर जिले स्तर के अगुवाकार साथियों तक। बावजूद इसके, अगर इतने तेजी से इतनी बड़ी संख्या में जो आपको दिखाई और सुनाई देता है, पंजाब हरियाणा से तुलना करने की मेरे ख्याल से मैं नहीं करती, क्योंकि किन परिस्थितियों में लोग खड़े हैं ये महत्वपूर्ण बात है। और योगी सरकार के भयानक दमनकारी रवैये के बावजूद लोग लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप में आंदोलन है। और अगर अभी यूपी से ट्रेन चल जाए या यूपी में जिस तरह से पुलिस करी उसका रोक हट जाए तो सीन बदल जाएगा। मतलब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, सीतापुर में सीन बदल जाएगा। तो एक तो ये काफी चला। दूसरी बात कि ये सही है कि मैं एक अनुभव छोटा सा, कि अभी कुछ दिन पहले मैं 21 मजदूर किसानों के साथ बैठी थी और उनमें से सिर्फ 3 मजदूर किसान थे
जिनका कहना था कि हम कभी कभी मंडी तक पहुंचे, वो मंडी नहीं पहुंचते हैं। बड़ी संख्या है, ये डेटा पूरे देश के सामने है, लेकिन हमको ये बात भी समझना पड़ेगा कि क्योंकि मंडी में जब रेट एक तय होता है तो स्थानीय बाजारों में उसका रेट थोड़ी ठीक स्थिति में मिलती है। इस बात को मजदूर किसान समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये कानून बन जाए, जैसे हमारा संगठन मुख्य रूप से मजदूर किसानों का संगठन है और मनरेगा पर हम लोगों का बहुत लोगों की बहुत कोशिश है कि हमको काम मिल पाए, तो हम ये बात समझते हैं आज की तारीख में कि जब मनरेगा की मजदूरी 200 रुपए है तो हमारी किस तरह से खेत मजदूरी बढ़ती है, हम जो ईंट भट्टों पे काम करने जाते हैं वहां कैसे रेट हमारा बढ़ जाता है। अगर ये कम हो जाए तो हमारा हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे कम हो जाएगा। तो इस बात को समझकर कि अगर मंडी सरकारी मंडी खत्म हुई तो हमारी कीमत किस तरह से कम हो जाएगी, कैसे हमें खेतों में ही हमारी मजदूरी का रेट कम हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात प्रवीण जी की, सबको ये पता है कि जब खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ तो सबने अपना राशन कार्ड बनवाने के साथ अपना अकाउंट भी दिया। क्यों लिया गया खाते का अकाउंट, क्या जरूरत थी, हम तो राशन दे रहे थे। लोगों को ये मोटी बात समझ रहे हैं लोग कि अगर ये सरकारी मंडी खत्म हुई तो सरकार राशन नहीं खरीदेगी, इसका मतलब है कि सरकार नगद पैसा देगी। किस तरह से नगद पैसा देगी, आज की तारीख में हम सब देख रहे हैं कि गैस के सिलेंडर की सब्सिडी 28 रुपए, 24 रुपए, तो ये एक खेल जैसा होगा कि कुछ एक आधार तय करेगी सरकार और उसके अनुसार खाते में पैसा आ जाएगा। दूसरी तरफ चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन हो चुका है तो बड़े अडानी अंबानी जैसे, मतलब जब बड़े व्यापारी कह रहे हैं तो मैं सीतापुर के बड़े व्यापारियों को नहीं देखना चाहती, जो अडानी अंबानी जैसे जो बड़े व्यापारी होंगे वो जब भंडारण करके और मार्केट में लाएंगे तो उस पैसे से क्या हासिल होने वाला है जो उनके खाते में आ रहा है। तो एक तरह से लोग समझ रहे हैं इस बात को, जिसकी वजह से लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इस दमन के बावजूद उत्तर प्रदेश के लोग सामने आ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो भले एमएसपी नहीं मिलती है लेकिन जो एमएसपी तय करती है सरकार तो वो एक तरीके से बाकी मार्केट प्राइस को भी डिसाइड करती है कि बिल्कुल है, भले वो नहीं मिलता है लेकिन बिल्कुल जी बहुत कम भी नहीं होता है क्योंकि ये एक एक, एक मार्क आ जाता है कि ये प्राइस मंडियों में बिक रहा है। तो ये आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि ये तो एमएसपी के प्राइस तो मार्केट किसी ना किसी इनडायरेक्टली तय करते हैं भले वो पूरा ना मिल पाता हो। और दूसरी बात आपने कही कि ऐसा नहीं है कि किसान यहाँ आंदोलित नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा पुलिस का दमन है, इतना ज़्यादा दबाव है कि तरीके से ये बन नहीं पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप पर भी पुलिस ने कुछ केस और कुछ और किसान भाइयों पे लगाए थे तो वो आप से हम वो अनुभव जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। हाँ, और वही तो कि छोटा सा मतलब शहर छोटा है, एरिया वाइज बड़ा है, हम सब जानते हैं सीतापुर, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 6-7 संगठन हैं जो सक्रिय हैं। और मैं कह रही हूँ ना कि हर राष्ट्रीय कॉल के साथ ये स्थिति बन जाती है कि लोगों के घरों पर पुलिस बिठा दी जाती है। सिर्फ सीतापुर में नहीं, बनारस में भी एनएपीएम से जुड़े काफी साथी हैं, मतलब राष्ट्रपति अभी आने वाले थे 15 तारीख को तो उनके घर के बाहर पुलिस बिठा दी गई। और सीतापुर में अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो ये निश्चित है कि एनएपीएम उत्तर प्रदेश के काफी साथी मिलकर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, एक तरह से बॉर्डर पर जाने की योजना बनाए थे। सीतापुर के संगठन
के साथी और मैं भी उनके साथ ही योजना बनाई थी 7 तारीख को, लेकिन हमें 7 जनवरी को निकलना था। और हमको थोड़ा शक था क्योंकि जिस तरह से दूसरे लीडर्स साथियों पर भी पुलिस बिठाई जा रही थी, तो शक था कि हमारे यहाँ भी आ जाएगी। और लेकिन इतना भी नहीं था, आज तक सीतापुर में 1996 से एक बड़े आंदोलन में जुड़ने का मौका बन पड़ा है, ऐसे कभी नहीं देखे हम लोग। खास तौर से अगर देख पा रहे हैं तो एक तो CA NRC के दौरान भी देखने को मिला और दूसरा अभी किसान आंदोलन में। और उनको जो भी जैसे भी अंदाज लगा और हमारे घर पुलिस बिठा दी गई। और मैं कहती रह गई कि मैं लखनऊ जा रही हूँ। मैंने ऐसा दिमाग में सोचा भी कि नहीं जाती हूँ, लेकिन लखनऊ तक चली जाती हूँ, अपनी दोस्त अरुंधति ध्रुव से मिलकर आती हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं निकलने दिया, पूरे कंट्रोल के साथ 4 दिन तक हमारे बहुत सारे संगठन के साथी पहुंच गए घर पर। 4 दिन तक उन्होंने ऐसे करके डिटेन करके रखा। ये एक घटना हुई। और ऐसे सीतापुर में कितनी घटनाएं हैं कि लोगों के घरों में महीनों तक पुलिस बैठ रही है। दूसरी जो बड़ी घटना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 26 जनवरी था और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम सीतापुर में तिरंगा लेकर पैदल मार्च करेंगे। इसके पहले 13 जनवरी को सीतापुर में हम सबने एक 7 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना ली थी, जिसकी पुलिस और LIU को कोई खबर नहीं होने दी थी। हमने भी समझदारी से किया क्योंकि उसके पहले ये हमको हाउस अरेस्ट कर चुके थे। जब श्रृंखला बन गई तब इनको नजर आया। और उसके तुरंत बाद 18 जनवरी से सच में हमारे गांव में 11 बजे रात को 12 बजे रात को दरवाजे खटखटा खटखटा कर लोगों के हाथ में नोटिस दी गई और कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाई कि ऐसे नोटिस दिखा देते, कॉपी भी नहीं देते और कहते कि आप कल थाने आ जाइएगा, आपको 5 लाख 10 लाख के मुचलके पे। खुद मेरे पास नोटिस लेकर आए तो मुझे भी ऐसे नोटिस दिखाकर 5 लाख का मुचलका आप आकर थाने पे भरिए, इस तरह से करके गए। मैंने कहा मुझे कॉपी दीजिए, तो 2-3 लोगों ने फोटो खींच ली, मैंने कॉपी ले ली ऐसे करके। और फिर हम सब लोग लखनऊ में अपनी दोस्त अरुंधति दुरुक की मदद, संदीप पांडे जी की सहयोग से हम सब लोग हाई कोर्ट चले गए। और फिर हाई कोर्ट ने यहाँ की सरकार को फटकार लग मतलब यहाँ के जिला प्रशासन को फटकार लगाई कि आप इस तरह से नोटिस कैसे दे सकते। इस तरह से नोटिस क्या था, उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि आप आने वाले समय में कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आप कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा था उसी वक्त कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जो कहते अति अति हो जाना वो पूरा यहाँ पर गुजरा। वो भी सही बात है कि जब हाई कोर्ट की एक तरह से फटकार लग गई जिला प्रशासन को, उसके बाद से हम पर दबाव निश्चित ही कम हुआ है। लेकिन जिसको कहना एक पूरा पुलिसिया तंत्र 26 जनवरी को सोची कि इस तरह से सीतापुर शहर को छावनी में बदल दिया गया। यहाँ 2-3 मतलब PAC की बटालियन है, तो इनको वक्त नहीं लगता है PAC की गाड़ी घरों के सामने या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा करने पे। पूरा शहर छावनी में बदला गया था और हम सब को हटना पड़ा जो जगह हमने डिसाइड किया था। जो लोग वहां पहुंच गए उनको पुलिस ने उठा के थाने ले गई। मैं बच गई क्योंकि मैं अपना घर एक दिन पहले छोड़ दी थी 25 जनवरी को ही। और जो मुझे जो बहुत परेशान करती है बात कि कुछ कानून है ना, कुछ नियम है ना, वही जब 4 लोगों को देखे तो पकड़ कर थाने ले गए। लेकिन हम सब अलग अलग रास्तों से जब एक दूसरी जगह इकट्ठे हो गए, हमारी संख्या बढ़ गई, तो वही पुलिस प्रशासन हमको पैदल मार्च करने दी। तो ये किस तरह का कानून है कि अगर मैं अकेली खड़ी हूं
तो उनको वक्त नहीं लगेगा मुझे उठाकर थाने ले जाने में, लेकिन अगर हमारे साथ 4,000, 5,000, 400, 500 लोग हैं तो वो हमें नहीं उठा पाएंगे। आप जोड़कर देख लीजिए कि 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर जब संख्या कम हुई तो किस तरह से उठाने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत जी के आह्वान पर जब जनता वहां पहुंची तो आज तक कीले भले गाड़ दें वो, लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अभी वही स्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो महापंचायत हो रही है उनको रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही। बिल्कुल, तो ये तो नियम नहीं है ना, एक अकेला व्यक्ति भी खड़ा है तो नियम तो नियम है, चाहे एक अकेला व्यक्ति खड़ा हो चाहे हजार व्यक्ति खड़े हो। लेकिन वही कि अगर हम और आप ताकत बना ले रहे हैं तो हम अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ही हम अकेले किसी कारण से भी अकेले हो तो उनको दमन करने में कोई वक्त नहीं लग रहा है। और ये है संविधान का उल्लंघन, ये है कानून नियमों को, जिसको कहें कि हम कानून नियम से नहीं चलते हैं, हम तो बस आप अगर आप मजबूत है तो आप आपके सामने सर झुका देगी जी, अगर आप कमजोर पड़ रहे तो आपको उठा कर ले जाएगी अंदर। तो ये तो जिसको कहे ना, ये तो सरासर अन्याय है। जी, एक प्रश्न आया है, हमारी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है, सौम्या गुप्ता जी ने, बहुत दिन बाद सत्याग्रह में महिला वक्ता हैं, इसके लिए धन्यवाद, आयोजक जिसका ध्यान रखे इसके प्लीज, रीता जी को नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका और सलाम, आपकी जी वक्ता को बहुत बहुत सलाम, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, पंजाब किसानी में देखती हूँ कि महिला किसान हों, दुकानदारी हो, मकान बनाने वाले मजदूर हों, सब जगह इतनी मेहनत करती हैं, जमीन हक तथा अन्य अधिकार क्या बड़े आंदोलन से हल होंगे, क्या किसान आंदोलन में महिला किसानी से जुड़ी कोई मांग है, ये उनका प्रश्न है। जीजा जी, हाँ, तो एक तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि अभी लड़ाई क्या चल रही है। मैं सौम्या जी को एक उदाहरण की जो हम सब ने जिस तरह से इसको देखा और समझा है कि मान लीजिए एक रोटी है, उस एक रोटी में आधी रोटी मेरी है और आधी रोटी हमारे घर के पुरुष साथी की है, लेकिन जब पूरी रोटी पर खतरा हो तो पहली बात कि हमको पूरी रोटी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। मुझे लगता है वो काम हो रहा है कि हमको पूरी रोटी बचानी है, हमको अपनी खेती बचानी है, हमको अपनी जमीन बचानी है, हमको इस देश के संविधान को बचाना है। किसान सिर्फ क्या खेती बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, मुझे लग रहा है नहीं, किसान महिला पुरुष एक तो इस बात को समझे कि इस हम महिलाएं इस बात को बार बार कहते रहे कि जब किसान की बात होती है तो किसी पुरुष किसान का ही चेहरा सामने आता है, ये आज से नहीं, ये लंबे समय से ये बात महिलाएं उठा रही हैं। और अभी अगर देखें तो इस किसान आंदोलन में महिलाएं बहुत मजबूती से आई हैं, आगे आई हैं, महिलाएं हमेशा आंदोलनों में आगे रहती हैं, किस काम में नहीं आगे रहती ही हैं। मामला है कि उसको कितना पहचाना जा रहा है, उसको कितनी जगह दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन में महिलाओं के योगदान को पहचाना गया है कि खेती में उनके योगदान को, संघर्ष में उनके योगदान को, ठीक है, जमीन पर सच में महिला का कितना अधिकार है, इस तरह का मुद्दा अभी सामने मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि अभी पूरी रोटी बचाने की लड़ाई है, ये हमारी जो और लड़ाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी आधी रोटी की लड़ाई को छोड़ देने वाले हैं, लेकिन जब हम पूरी रोटी की लड़ाई में शामिल होंगे तो हमारे लिए आधी रोटी की लड़ाई भी आसान होगी। बहुत सही बात आपने कही। तो वैसे भी मैं जो मेरा भी अपना एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जहाँ भी श्रम वाली चीजें हैं, जैसे आपने कहा किसान मजदूर जो भी श्रम वाले काम है, उसमें महिलाओं की भागीदारी हमेशा ही रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद पुरुषों से ज्यादा रहती है,
मकान बनाने वाले लेबर्स को ही देखिए आप, तो उसमें सब लगभग बराबर की भागीदारी होती है, महिलाओं का भी योगदान रहता ही है। हाँ ये है, जहाँ पे पद प्रतिष्ठा वाली बात होती है वहाँ महिलाओं को शायद पीछे छूट जाती है बहुत सारे, लेकिन जैसे पार्टियों को टिकट देने वाली बात हो तो उसमें आप बहुत कम महिलाएं देखेंगे, लेकिन जहाँ श्रम वाली बात होती है किसानी में तो वो बात ठीक है बिल्कुल, कितनी महिलाओं का काफी योगदान है। लेकिन हाँ ये जो बात शायद वो कहना चाह रही है कि जो किसान नेता के रूप में जैसे उभार आया है, तो हालांकि मुझे तो दिख रहा है कि कई सारी जैसे अभी नवजोत बिल्कुल, कौर ये भी महिला थी, या जो हालांकि वो किसान नहीं है लेकिन उसी मुद्दे से जुड़ी हुई जिस लड़की को जेल की गई निसार अभी, ये तो मतलब इसमें ऐसा नहीं नहीं आप कि देखिए एनएपीएम की, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जी किस रोल में है, आप कविता कुरुगुंटी को देखिए किस रोल में है। इस तरह से मकाम जो महिला किसान आंदोलन है, वहां से किस तरह से महिलाएं अपना रोल कर रही हैं, आप टीकरी हम टीकरी बॉर्डर पर देख पा रहे हैं कि महिलाएं मंच पर भी हैं। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर जाने का दो दो बार मुझे मौका मिला, मैं देख पाई कि वो महिला मंच पर भी है, वो लंगर में भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लंगर में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ वो खाना बनाने का काम कर रही है, मुझे ऐसा नहीं दिखा। मुझे वो मंच पर भी अपनी बात कहते हुए दिखी है। ठीक है, संख्या कम है, वो तो पूरे समाज में ही तो देखे ना कि महिलाओं के काम को, उनकी को किस तरह से मान्यता मिलती है। मतलब सच में बरसों का संघर्ष है जिसकी वजह से आज इतनी स्थितियां बनी हैं, इतनी स्थितियां बनी हैं, लेकिन हम भी जान और पहचान नहीं पा रहे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी आई हैं इस आंदोलन के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो CA NRC के आंदोलन के साथ ही जिस तरह से महिलाएं सामने आई हैं, जिस तरह से पहचान, महिलाओं ने ही चलाया वो पूरा संघर्ष। बिल्कुल बिल्कुल, और उसने एक जबरदस्त जबरदस्त जिसको कहते हैं ना महिलाओं को, और मैं उसमें महिलाओं की भूमिका, और फिर किसान आंदोलन में महिलाओं की अगुवाकारी हम देखे तो कि वो किस तरह का रोल निभा रही है, तो मुझे ये काफी दिखता है प्रवीण जी। जी, और उसमें एक बात और एक ऑब्जर्व करेंगे कि खास तौर से जब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो उसमें हम महिलाओं का रोल बहुत कंजर्वेटिव देखते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि उनको घर से बाहर जाना या सड़क करने का नहीं दिखता था अभी तक कोई ऐसा नहीं, लेकिन ये जो NRC और CA वाला है तो इसमें तो पूरे आंदोलन की बात बिल्कुल महिलाओं के हाथ में थी, पुरुष को नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ भी अगर देखिए, हम तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जनवरी में 18 या 19 जनवरी को पूरा महिला किसान दिवस के रूप में, मतलब सब सबने पहचाना है महिलाओं को रोल, तो पूरा पूरा महिला किसान दिवस जिस दिन पूरे मंच का संचालन महिलाओं ने किया, आप जी 8 मार्च को देखें तो पूरा मंच का संचालन हर जगह महिलाओं ने किया, तो वो महिलाएं निश्चित ही कि निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस देश में जिस समाज में किसान की तस्वीर पगड़ी बांधे ही लोग देखते रहे हैं, वहां पर ये इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो वो आधा वाला जो संघर्ष है वो तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस संघर्ष से में काफी आगे बढ़ी है महिलाएं इस किसान आंदोलन में, वो किसान के रूप में जानी और पहचानी जा रही। जी तो इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने कहा कि या मीडिया इस चीज को बहुत, जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, इस चीज को बहुत प्रचारित कर रहा है, भाजपा के जो बहुत सारे नेता हैं वो भी इस चीज को अपने ट्वीट्स के माध्यम से या जनता के बीच में इस तरीके की बात कह रहे हैं कि ये जो जो नुकसान है इसमें थोड़े बड़े किसानों का जरूर है लेकिन छोटे मझोले किसान या वो जिनके पास जमीन नहीं है, वो केवल खेती करते हैं, श्रम करते हैं, मजदूर हैं, उनको इस कानून से कोई नुकसान नहीं है, ऐसा सरकार का दावा है, बल्कि उनका कहना है कि इससे तो फायदा होगा उनका। तो
इस बारे में आप हमें कुछ बताएं कि क्या ऐसा है कि जैसा सरकार कह रही है कि ये जो बड़े बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिन किसानों के पास, उनके लिए तो थोड़ा बहुत नुकसानदायक हो सकता है कानून, लेकिन छोटे किसान या जिनके पास जमीन नहीं है, केवल लेबर हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है बल्कि उनको फायदा है। मतलब इस सरकार का तो क्या कहिए, है ना। मतलब वो तो कुछ भी कह सकती है और पूरे उसी सिद्धांत पर चलती है प्रवीण जी की, किसी झूठ को इतनी बार झूठ बोलो कि लोग उसको सच मान ले, उसी उसी तौर तरीके पे चलती है। किसान और मजदूर का रिश्ता ना ऐसे है, जैसे कहते नाखून नहीं होता, ऐसे है बहुत गहराई से। और फिर वही बात कि अगर जैसे MSP लागू हो जाता, हमारे किसका नुकसान हो रहा है, हमारे संगठन के कितने मजदूर साथी जो जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीनें हैं, वो क्या करते हैं। तो अभी हमारे एक साथी ने कहा कि हम 2 किलो 5 किलो धान या गेहूं ले जाकर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं और सब्जी या खरीद के लाते हैं, या नमक तेल या दवाई खरीद के लाते हैं बच्चे का, जब हमारे घरों में होता है। और वो साहब कह रहा था कि अगर ये MSP लागू हो जाए तो ठीक है, एक फिक्स रेट होगा, ठीक है, हमारे हम तक जानकारियां कम पहुंचेंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब वो कानून बन जाएगा तो वो छोटा मझोला मतलब मजदूर किसान लड़ेगा नहीं कि वो अपना धान 1800 की जगह 900 पे तो नहीं बेचेगा, 1600 पे आएगा, 1700 पे आएगा, लेकिन वो आएगा। एक बात तो उनसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त उनका नुकसान हो रहा है, एक बात, इसलिए वो लड़ रहे हैं। दूसरी बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखिए अभी तक क्या था कि सच में सच्चाई तो ये है कि जो मजदूर किसान है उनके पास खेती कम है, और असल में जिनके पास जमीनें ज्यादा है वो खेती सीधे नहीं कर रहे हैं। पूरा बटाई का जो सिस्टम चल रहा है उसमें होगा क्या, होगा क्या अगर कंपनियां घुस के शुरुआती दौर में बड़ी बड़ी थोड़ा अच्छे से रेट लाकर और खेती ले लेती हैं, तो निश्चित ही बड़े किसान भी उधर चले जाएंगे। तो ये जो हम कितने हमारे इस संगठन के 99% किसान है, मजदूर किसान ऐसे हैं जो गांव में ही लोगों से बटाई पर खेती कर रहे हैं, और उन सबको बहुत खतरा है कि अगर ये सिस्टम आया तो उनको कैसे नुकसान होगा। एक बात, सरकार मतलब अगर पूरी खाद्य सुरक्षा की चेन टूटती है, जिस तरह से राशन लोगों के अभी अभी मतलब PDS का जो पूरा सिस्टम है अगर वो खत्म होता है, नकेस आने लगता है, तो उनको नुकसान नहीं है क्या है। तो असल में ये तीनों कानून जो है ना, ये हमारे सच में हमारे जीवन को, हमारी संस्कृति को, खेती खेती सिर्फ सिर्फ खेती हमारे लिए सिर्फ अनाज नहीं उगाती है, खेती हमारी एक संस्कृति है, हमारे जीवन जीने की जीवन है हमारा, पर उसको खत्म कर रहा है वो, क्या बड़ा क्या मझोला क्या छोटा। और ऋचा जी, इसके साथ मुझे लग रहा है एक बात ये भी होगी कि जब बड़े कारपोरेट आएंगे तो वो पूरी खेती जो है वो मैकेनाइज हो जाएगी, मतलब मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लग रहा है लेबर कास्ट घटाने की। निश्चित ही, निश्चित ही, कि लेबर जो अभी काम पा जाते थे खेतों में, उनका जीवन यापन उसी से होता था, वो मशीनों से रिप्लेस हो जाएगा। बड़े बड़े जैसे रशिया या अमेरिका में खेती होती है कि वो बहुत बड़े साइज के ट्रैक्टर उनके चलते हैं और 2-4 लोग जो है सारी खेती कर लेते हैं पूरा। तो गाँव में बेरोजगारी बहुत बड़ी तादाद में सारी तरीके से, क्योंकि लेबर का अगर बिल्कुल नहीं खत्म होंगे लेबर, लेकिन कम तो बहुत हो जाएंगे। आपने कभी गेहूं कटने के बाद देखा होगा, आप निश्चित देखा होगा कि जब गेहूं की हाथ से कटाई हो जाती है तो उसके दाने बिखर जाते हैं, जिसको सीला कहते हैं, और
अगर आप देखें तो जो बहुत गरीब परिवार के बच्चे खास तौर से आपको उस सीला बीन कर, और मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ, ऐसे महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को जानती हूँ जो खेतों में जाकर सीला बीन कर 15 किलो 20 किलो पूरा पूरे सीजन में 20-25 किलो वो गेहूं के दाने बीन बीन कर इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर मैं ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसने उस गेहूं के दानों को बीज कर जुलाई में अपनी फीस दी और अपना एडमिशन कराया। तो ये जो एक पूरा ये जो मतलब ये सब हम क्या हम वही है ना कि मॉल में घुसने में तो डर लगता है ना, तो अगर कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा तो ये जो हमारा पूरा खेती किसानी से जुड़ा हुआ जो समुदाय है तो परस्पर एक दूसरे के साथ चलते हुए तकलीफें भी हैं, दिक्कतें भी हैं, शोषण भी है, लेकिन फिर भी साथ चल रहे हैं। उसमें वही मैं कह रही हूँ कि आधी रोटी पूरी रोटी, हम लड़ते रहेंगे, टुकड़े टुकड़े रोटियों की लड़ाइयां हैं, लेकिन ये पूरा पूरा तो बचा रहना चाहिए ना, और वो खत्म हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए हमारे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर कोई उनका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे और साथी जो जुड़े हुए हैं। जी चैट में एक प्रश्न आया है, पीडीएस में पहले बहुत इशू रहे हैं करप्शन आदि, पर इसको खत्म करने से सबसे मजबूत जुड़ेंगे। पीडीएस में पहले बहुत इशू रहे हैं करप्शन आदि, पर इसको खत्म करने से सबसे मजबूर झेलेगा मजदूर। जय जी, क्या कैश, हाँ क्या कैश देना समाधान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ कैश कभी देखिए अनाज क्या है, पीडीएस में खाना अनाज मिलता है, अनाज की जगह कैश कैसे हो सकता है? रुपया खाएंगे, और वो जो कैश आएगा वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ इस्तेमाल होगा, इसको हमको समझने की जरूरत है। और ऐसे तमाम लोगों को देखने की जरूरत है जिनके लिए पीडीएस महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कि मिड डे मील में बहुत सारा लूट है, फलाना है ढिपकाना है, उसको बंद कर देना चाहिए, पढ़ाई पे असर पड़ता है। हमको ये हम उस सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे ना। बहुत सारे इलाकों में आप जाइए जहाँ एमडीएम का खाना बच्चे का पहला खाना होता है, हमको उसको समझना होगा। और कभी और फिर हम समझें कि कैश देना तो कोई हल ही नहीं है। किसी को भूख लगी रहे और हम कहें कि हम आपको रुपया दे रहे हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे, वो समाधान नहीं है। सिस्टम में दिक्कतें हैं, जैसे कि लोग सारा का सारा ठीकरा लाकर कोटेदारों पे पटक देते हैं। हम भी कोटेदारों से रोज लड़ते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कोटेदार की दिक्कत है? पॉस मशीन आया हुआ है, आप खुद सोचिए कि पूरे कोरोना लॉकडाउन में जब छूने के लिए मतलब टच नहीं करना है किसी चीज को, उस वक्त लोगों ने ये मांग की कि राशन वितरण पॉस मशीन से नहीं होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति अंगूठा लगाएगा और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार उसको नहीं बंद की। क्यों नहीं बंद की? इसलिए नहीं बंद की कि पर एक एक राशन कार्ड पर जब वो अंगूठा लगा के राशन लेता है तो पॉस मशीन उपलब्ध कराने वाली कंपनी को, मुझे ठीक से अभी तो नहीं याद आ रहा, लेकिन लगभग 7 रुपए उनके अकाउंट में जाता है। तो ये पॉस मशीन ईमानदारी के लिए नहीं लाया लोगों ने, पॉस मशीन इसलिए आया कि उस कंपनी को फायदा हो। असल में ये बड़ी दिक्कत है। और कई सारे कामों में मैं कई बार सड़कों पर चलते हुए भी कहती हूँ कि ये सड़क इसलिए नहीं बनाया गया कि हमें सुविधा हो, ये सड़क इसलिए बनाया गया कि इसमें ये कमीशन या ये हिस्सेदारी या यहाँ की लूट होनी है।
लेकिन बनाई गई ना सड़क, राशन में भी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत है हम भी मानते हैं, लेकिन उसकी जगह कभी कैश ले ही नहीं सकता। और जितना कैश दिया जाएगा कोई जरूरी नहीं कि उतना राशन मार्केट में उस प्राइस पे मिल पाए ना, क्योंकि तो आपके सवाल ही प्रोडक्ट। नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है, मिलेगा ही नहीं। वो जो अति आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन लाकर ये जो पूरा भंडारण का छूट दे रहे हैं, तो मार्केट में हमेशा क्राइसिस बनाया जाएगा। क्राइसिस होगी नहीं, अनाज की कमी नहीं होगी, लेकिन वो उत्पन्न किया जाएगा और फिर रेट पता नहीं कहां से कहां जाएंगे। और फिर कहा जाएगा कि आपको कैश तो ट्रांसफर कर दिया गया, आप खरीद लीजिए उसमें तो उसमें कितना हाँ, मतलब इस सरकार की आदत है कि ये सामने वालों को पहले चोर कहता है कि तुम चोर हो, तो कोटेदार चोर है, ऐसा ये स्टेबल। तो ये सबको देखिए ना, सबको धीरे धीरे, हम सबको, हर एक संस्था को चोर कह के, ठीक से काम नहीं कह के ये स्थापित कर रहे हैं और फिर उसको खत्म कर, ताकि कोई कुछ बोले नहीं। बीएसएनएल, बीएसएनएल आज कहाँ चला गया? मतलब मुझे इस अपने शहर में, हमारे यहाँ बेस्ट, हाँ हमारे यहाँ क्या, हर जगह इतनी रौनक वाली बिल्डिंग हुआ करती थी वो, आज वहां पर पंजाब नेशनल बैंक किराए पर है, सारे कमरे बंद है ऊपर के, और बीएसएनएल कैसे लाया गया? भाई साहब नहीं लगता, आज की तारीख में जियो के लिए कोई इस तरह की बात नहीं आ रहा है, लेकिन बीएसएनएल को ये भाई साहब नहीं लगता, ये हमारे दिमागों में लाया गया और फिर धीरे 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 वो कहाँ चला गया। तो इस सर ये सरकार राशन को लेकर भी ऐसे ही कह रही है। और ये अभी क्योंकि 2 दिन की बैंकों की हड़ताल हुई है तो इससे कई लोग इसको शंका प्रकट कर रहे हैं, और शायद ये शंका सही भी है कि जैसे आपने कहा कि आगे गवर्नमेंट की स्कीम है कि क्लियर खत्म करके वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर वाला कुछ सिस्टम बनाया जाएगा, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का एक खाता होना चाहिए। और आज तो जब सरकारी बैंक हैं तो खाते बहुत कम पैसे में खुल भी जाते हैं, केवल प्राइवेट बैंक रह जाएंगे, तब तो मिनिमम बैलेंस के लिए भी 5,000-10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी तब वो बैंक खाता खोलेंगे, तो बहुत सारे गरीब लोग शायद खाता भी ना खोल सकें बैंक में। तो जब बिल्कुल खाते नहीं होंगे तो ये किस तरीके से पैसा ट्रांसफर, किन खातों में जाएगा, पैसे कैसे होगा, ये एक बहुत विकट समस्या पैदा होने वाली है। क्योंकि ये या डायरेक्ट कैश कैश ट्रांसफर तो तभी पॉसिबल है जब हर व्यक्ति का खाता हो, और जब प्राइवेट बैंक ही रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हर गरीब आदमी खाता खोल पाएगा, यहाँ एक मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है। हाँ, मेरा बस अभी थोड़े दिन पहले का सर्दियों का एक अनुभव है कि हमारे, हम लोगों की एक मीटिंग चल रही थी और हमारी एक महिला साथी, संगठन की महिला साथी की तबीयत बहुत खराब हुई, तो हम लोग उसको लेकर जिला अस्पताल गए। उसको ऐसे, हमें लगा कि उसको हार्ट अटैक जैसा है, माइनर है, तो वह डर गए थे। हम लोग जिला अस्पताल में पहुंचे तो खैर तुरंत ट्रीटमेंट वगैरह, हम 4-5 लोग थे, मैं भी थी, हम सब पहुंच गए, और उसी वक्त मैं दिखी कि एक बहुत खराब स्थिति में एक बुजुर्ग को कोई लाया और वो छोड़कर चला गया। जिला अस्पताल जहां आए दिन मेरा ही झगड़ा हो जाता है किसी न किसी डॉक्टर से, किसी न किसी उनकी किसी न किसी चीज पर, कि जांच क्यों नहीं कर रहे हो आप, बाहर से दवाई क्यों लिख रहे हो, ऐसी चीजें तमाम चलती रहती। बावजूद इसके कह रही हूं कि हमारे ही जिला अस्पताल में 3,000 से ज्यादा की रोज की आउटडोर है। एक बार वो जो बुजुर्ग लाया गया जिला अस्पताल में, क्या वो किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया जा सकता था? नहीं पहुंचाया जा सकता था। और तमाम ठीक है, डॉक्टरों का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा नहीं था, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी मैं देखी कि ग्लूकोज का बॉटल तो लगा उसको, उसमें कुछ दव इंजेक्शन लगाए गए, ये तो मैं रात के 1:30 बजे देख पाई, सर्दी की रात में। तो ये जो, मतलब हमारी बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा रही है, तो हम यहाँ पर आ रहे, तो हम, मैं तो बस ये जी, और ये सारे, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए इसको, इन
सरकारी मंडियों को खत्म कर देने से आप, और मैक्सिम एमएसपी क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? लोग कहते पैसा नहीं, सरकार कहाँ से करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, कहाँ से कर रही है? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों को इतने इतने छूट दे देती है तो किसानों को मिनिमम भी नहीं देगी? और ये सिर्फ आज एक दिन, मतलब पिछले, ये तो जिसको कहें कि पिछले लंबे समय से किसान घाटे में जा रहा था। मेरी मेरी माँ कहती है मुझे बार बार कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन अगर खेती गया तो सबसे पहले जो सबसे कमजोर है वही मरेगा। तो इसलिए, क्योंकि उसकी स्थिति सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी, तो इसलिए ये एक जरूरी लड़ाई है। और मुझे, मैं इसको देख पाती हूँ कि महिलाएं, चूंकि आपका टॉपिक था आज की महिलाएं, हम सब जानते हैं कि महिलाएं क्या रोल निभाती हैं। मतलब ठीक है, कितना भी इफ बट हो, लेकिन घर में जो घर का मैनेजमेंट है वो आज की तारीख में भी बड़े पैमाने पर महिलाओं के हाथ में है। उनको अंदाजा है, उनको पता है कि अगर ये अनाज निकल गया, आप सच में, आप आइए, आप में से कोई भी हमारे साथ आए, कहीं भी चले, महिलाओं से बात करें, अगर एक भी महिला कह दे कि हमको अनाज की जगह, जिनको मिलता है अनाज पीडीएस में, हमको अनाज की जगह कैश मिले, सवाल ही नहीं उठता है। पुरुष कहेंगे कि पारदर्शिता के नाम पर, कि नहीं कैश आए तो अच्छा है, ये सब कोटेदार चोर और बेईमान है। लेकिन महिलाएं, मुझे तो नहीं मिले भाई आज तक कि वो कहें कि पैसे की जगह, अरे अनाज की जगह पैसा दे दे। जी, ये सौम्या गुप्ता जी ने एक कैच डाली है कि गीता जी आपके अनुसार आदर्श किसानी जो महिला किसान को तो सम्मान से, अधिकार से जगह दे, वह कैसी होनी चाहिए? अभी लड़ाई बहुत लंबी है, पर आपसे उम्मीद मिलेगी कि एक दिन ऐसा सबके लिए अच्छा रहे। मतलब वो महिलाओं के वही सम्मान की बात करना चाह रही है कि जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लंबी लड़ाई है, तो महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए किसानी में? एक तो मुझे लग रहा है कि ये किसान आंदोलन महिलाओं को किसान के रूप में पहचान रहा है, और अब जो एक बार पहचान बनती है तो महिलाएं उसे पलटकर वापस नहीं जाने वाली। और निश्चित ही कि खेती में हम सब खुद भी ये सवाल उठाते रहते हैं कि महिलाओं के नाम जमीन क्यों नहीं। तो हमारे ही संगठन में महिला और पुरुष दोनों बैठे थे, और एक निश्चित ही एक पति पत्नी का जोड़ा, चांस की बात है कि दोनों है संगठन में, साथ बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि महिलाओं के नाम जमीन क्यों नहीं। तो पुरुष ने कहा, पुरुष साथी ने कहा, लो दीदी अब ये भी करोगे तुम लोग संगठन में? तो महिलाओं के नाम जो जमीन का मामला है, क्यों जमीन नहीं महिला के नाम पर? महिला जब ब्याह कर ससुराल आती है तो उस जमीन में उसकी उस वक्त से हिस्सेदारी क्यों नहीं? राशन कार्ड पर अगर आप देखें तो महिला मुखिया के रूप में आई, ये ऐसे नहीं आ गई, ये एक दिन में नहीं आई है, और न ही सरकार का कोई हृदय परिवर्तन हुआ है कि उनको कोई दर्शन हो गया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं महिलाओं को तो हमें। ये महिलाओं के, महिला आंदोलनों के लंबे संघर्ष के बाद आया है, और मुझे लगता है कि किसानी में भी महिलाओं को ये स्थापित होगा। और फिर महिलाएं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अपनी पौष्टिकता को ज्यादा ध्यान देंगी। आपने कभी देखा, पता नहीं, मेरा सवाल होता था कि हम बाहर खाना खाकर आते हैं, अपनी माँ से ही मैं कहती थी बाहर खाना खा के आते हैं, लेकिन जो तुम बना देती है उसकी बात अलग होती है। तो कहती थी कि वो पैसा कमाने के लिए होटल खोला है और हम बच्चे को खिलाने के लिए खाना बनाते हैं, और इन दोनों में फर्क है, इसलिए हमारे हाथ के खाने में स्वाद आ जाता है। तो महिलाएं इस बात को जानती हैं कि खाना पौष्टिकता कितना जरूरी है। 100% ठीक है नहीं होंगी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं इस बात को जानती समझती हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ
महिलाएं खेती में, मतलब सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में 60-70% काम महिलाएं करती हैं, दाने को सहेजती हैं, बिन बिन कर रखती हैं, और वो इसमें जैसे ही निर्णय लेने की भूमिका में और आएंगी तो हमारे खेती का एक तरह से पूरा पूरा हाल बदलेगा। वो ऐसी चीजों को प्रमुखता देंगी जो उनके सेहत के लिए जरूरी होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए। जी, और कोई साथी हमारे अगर प्रश्न करना चाहें रिचा जी से, हमारे और पार्टिसिपेंट, तो अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है, कोई और साथी कोई प्रश्न रखना चाहें अपना तो रख सकते हैं। रिचा जी, इससे संबंधी ये तो जो नुकसान फायदा अगर हम एक तरफ हटा देते हैं, जिससे किसान का फायदा है या कॉर्पोरेट का, एक जो सबसे बड़ी चीज दिखती है और जो जो जिन देशों में कॉर्पोरेट पूरी तरीके से किसानी को, मतलब खेती बाड़ी कॉर्पोरेट ही कर रहा है, वहाँ एक बड़ी समस्या आ रही है वहाँ के लोगों में कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जब कॉर्पोरेट खेती करता है तो जो चीज मार्केट में उसको फायदा देती है उस चीज की खेती होती है, और जैसे अपने यहाँ देखिए दाल ही कितनी तरीके की होती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके, छोटे छोटे बहुत ज्यादा उनकी कोई पैदावार नहीं होती है, लेकिन वो ठीक है वहाँ के हिसाब से किसान अपनी बिल्कुल सुविधा के हिसाब से करता है। तो लेकिन जब ये कॉर्पोरेट का होगा तो अब आप देखिए, जैसे पुराने मेरे फादर वगैरह बताते थे कि आलू कई तरीके के होते थे और उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही होता था, उसको भून के खा लेने में ही बहुत टेस्ट आता था। लेकिन आज के जमाने में आलू का पैदावार जरूर शायद बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो चीज नहीं रही थी। वो जो अलग अलग गेहूं भी बहुत तरीके के हैं, चावल बहुत तरीके के, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी थी, कल को हो सकता है कि जब अंबानी जी खेती करें तो उनको लगे कि मेरे लिए तो बासमती ही चावल मैं उगाऊंगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके के भी एक खतरा दिखता है कि कॉर्पोरेट से जो एक बायोडाइवर्सिटी थी खेती में उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। बिल्कुल। इससे मतलब अगर आप देखें तो पिछले समय पे हमने अपने इलाके में एक काम किया कि जो मोटा अनाज, जो मिलेट्स है जिसको मोटा अनाज कहते हैं लोग, तो हम लोगों ने इस इलाके में उसको ढूंढने की कोशिश की। क्यों ढूंढने की कोशिश की? क्योंकि इस बात को भी समझ पा रहे थे कि इस गेहूं और चावल में क्या है। तो गेहूं, गेहूं का आटा जो हम खा रहे हैं, चावल जो खा रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या है। तो और हमें अपने ही इलाके में, अगर आप याद करिए कि जब मनमोहन सिंह के समय ये रिपोर्ट आती है कि हमारे देश के 42% बच्चे कुपोषित हैं, तो हम लोगों ने अपने इलाके में ये बात बहुत की कि ये कुपोषित बच्चे किसके हैं। ठीक है, अपर क्लास में भी होंगे फास्ट फूड खा के, लेकिन इनकी असल में बड़ी संख्या कहाँ की है? हमारा खाना कैसे बदला? हमारे मोटे अनाज में क्या था? कोदो, काकून, सावा, मौठी। इस इलाके में ही हमें इतने अनाज मिले, और आज की तारीख में हम फिर से उस जगह आए हैं। उस जगह तो बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन एक कोशिश की है कि 2015 में हमारे इलाके में सिर्फ 5 किसान मिले थे हम लोगों को, जिन्होंने ये प्रयोग करने को सोचा कि वो सावा बोएंगे, क्योंकि उसकी पूजा होती है, वो फलहार के रूप में भी खाया जाता है, और लोग खुद कह रहे हैं कि वो बहुत आसान था, उसको कूटना मुश्किल था। तो कूटने का मतलब हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए था ना। हमने उस अनाज को ही खत्म किया, हमारी नीतियां, हमारी चीजें। तो धीरे धीरे ऐसे करते हुए हम यहाँ पर आ गए चावल और गेहूं पर। हमारे इलाकों में ही चना होता था, एक से एक अनाज की लोग बात करें। जब हम ये काम करने पर आए और करते हुए हम लोगों ने समझा कि उन अनाजों में क्या ताकत थी और वो कैसे कैसे हम हमारे शरीर को मजबूत बनाता था। और अभी जो है, अगर ये कॉर्पोरेट आया तो जो है एक तरह से हम बिल्कुल माइनस पर चले जाएंगे, हमारी स्थिति और भी खराब होगी। कि सच में कॉर्पोरेट वही जो चंपारण वाला हाल होगा, ये तो जैसे अंग्रेजों ने आकर नील की खेती कराने की बात करी, वैसे ही तो यहाँ पर भी होगा कि कंपनी कॉर्पोरेट जो भी चाहेगा
वही तो लोग उगाने पर मजबूर होंगे। ये सौम्या गुप्ता जी आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हैं कि आपको कैसे प्रेरणा मिली और सामाजिक जीवन में आपने सब उससे संबंधित आपका प्रश्न है, संगठन की प्रेरणा कैसे मिली? अभी तो बस इतना ही सौम्या जी, फिर कभी आपसे निश्चित ही मिलेंगे, बात करेंगे कि खुद के जीवन के संघर्ष से इस सामूहिक संघर्ष की तरफ बढ़ गई, और एक दो से प्रेरणा नहीं मिली, बहुतों ने प्रेरणा दी है। लोगों को भूखे रहते लोगों को देख के प्रेरणा मिली, पिटती महिलाओं को देखकर प्रेरणा मिली, अपने परिवार से, अपने माता पिता से निश्चित ही हम सबको मिलती है प्रेरणा, आज भी प्रेरणा मिलती रहती है। कभी संदीप पांडे से प्रेरणा मिल जाती है, कभी अरुंधति से मिल जाती है, कभी मेरा ताई से मिल जाती है, कभी सौम्या से भी, कभी प्रवीण जी से भी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि वो कहीं इस बात को समझना कि हम अकेले अकेले बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, हमको एकजुट होना ही होगा। हम अपने संगठन में अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि मुट्ठी बनकर हमको आना ही होगा। तो हमको एक यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग बाबा ने कहा था आज से करीब 10 साल पहले, कि मैं उनसे कह रही थी एक मीटिंग में कि हमको मुट्ठी बनकर रहना होगा, और उन्होंने हमसे कहा और ये भी हमको समझना होगा कि जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो हमारा मजबूत अंगूठा अंदर आ जाता है और हमारी कमजोर तर्जनी सबसे आगे मुट्ठी लगाने के लिए तैयार होती है। तो ये जो ऐसी तमाम चीजों से सौम्या जी प्रेरणा मिलती रही है, और जी आपसे सबसे जुड़कर ही निश्चित ही संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोई साथी अगर कोई प्रश्न रखना चाहे, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम अपना समाप्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों को जिंदाबाद, शुक्रिया। Thank you.